Are you planning to adopt a baby? I see what's happening here. Because I don't understand a single thing. Open your eyes and tell me what's happening. Hello. Welcome to the pizza shop. இதாச்சும் நல்லா இது ஹலோ எவ்ரிவன் ஹலோ कैसे आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे खुशी और चुंगसी टर्न टू द मॉल टू बाय क्रिसमस ट्री हिंदी में बोलो हिंदी में पर खुशी और चुंगसी जा रहे हैं क्रिसमस ट्री पर ये क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए That's a lovely tree, yes. कि हम लोग खरीद रहे हैं ट्री देखो इसको कैसे पैक करते हैं आपके आपको दिखाते हैं इसके अंदर डाल के पुश करना है और यहाँ से निकालना है ये देखो पूरा एकदम प्लास्टिक उस पर आ जाता है लपेट के और बस यहाँ से कट करना है Thank you very much. Christmas tree aa gaya. Can I just say I carried the whole way? Huh? I carried the whole way. He only carried just here. Very good. Finally. It's not extremely heavy, but like it's heavy. And it's also very bad. It's very good. Are you kidding? That's taller than you. That's like almost. It's almost height. It's just. दो दिन पहले तुम क्या बोल रहे थे? मैंने बोला इस बार ओरिजिनल क्रिसमस ट्री खरीदते हैं और तुमने क्या बोला? It's not good. हाँ, it's not good. The tree looks good, but it's not good to get this tree. चुंगसी का मानना है ओरिजिनल क्रिसमस ट्री मतलब न्यूबॉर्न बेबी. और क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि अगर पेड़ मतलब लाके और फेंकना पड़ता है सब क्रिसमस के बाद में तो वो उसको पसंद नहीं है मतलब वो लगता है कि इट्स अ वेस्ट उससे बढ़िया है कि आप रीयूजेबल क्रिसमस ट्री उसने एकदम सही बोला है लेकिन उसने एक और एग्जांपल भी बोला अगर एक न्यूबॉर्न बेबी को बोलो बोलो तुमने क्या बोला It's like buying and it's like no, it's like having a newborn baby and after one day it's like oh it's born is over so you just throw it away. like we're gonna have this just for Christmas and after that throw it away. हाँ ये थोड़ी दुख की बात है. चलो अब इसको खोलते हैं. हाँ. Ready? Hold it up. I just got some food on me. Scissors चाहिए? Yeah. Give me scissors. Okay, wait. You can pull it. You didn't let me decide. Can be here. Oh, where is it? It's so okay. Satisfying. Oh, you put on my ear. Wow. Wait, I'll have the pocket. Superb. You can't see because you can see me. Ah, it's scary. हाँ सच में एक कौन है इसके अंदर यस देखो मेरा हाइट का है नो इट्स नॉट देखो यू आर शॉर्टर देन द ट्री देखो यू आर जस्ट पुटिंग हैंड्स अप यू आर शॉर्टर देन द ट्री लुक लेट मी शो लुक टर्न टर सी लुक एट दैट सो वे पुट द टिप टोस डाउन लुक ग्रेट सी लुक इफ यू गो लाइक स्ट्रेट लाइन Go down, get down. See, it's taller than her. It's like this much taller. लेकिन फिर भी देखो मेरा height का है. It's not. Just accept the failure. पता नहीं बहुत अच्छा मुझे real tree लेकर के है ना बहुत अच्छा feel हो रहा है. But when you throw it away, you'll feel even better, isn't it? 5 o'clock को बंद हो जाएगा shop. Then tell अच्छा कुछ नहीं बोल रहा मैं. No, you also go. हाँ.
अच्छा आइडिया है, पान के अंदर एक और पान पहन लो, अच्छा आइडिया है। You have to control him. You born him. So that makes no sense. You born him. You give birth. You give birth to him. So you control his behavior. Ha! Obviously, nobody can control you here because. No! Knock. Good morning. Abhi. सुबह 5:15 हो रहे है, बाहर है ना एकदम मस्त फोग है। मैं ना खिड़की थोड़ा सा ओपन करके सोती हूँ, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी आज कल ना मुझे पता नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक का थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों है। सुबह उठकर मैं देख लिया तो ना ऐसा लग रहा था मैं स्काई के नीचे सो रहे है, क्योंकि खिड़की खोला है ना सारा फोग बेडरूम के अंदर आ गया, ऐसा लग रहा था पूरा धुआं से भरा हुआ है रूम। आप लोग से बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ। मैं सुबह वीकडेज में 5 बजे उठती है, वीकेंड्स में तो बोल नहीं सकते क्योंकि वीकेंड्स में हम लोग है ना बहुत लेट से सोते हैं, खेल मूवी देखकर खेल वो सब होकर है ना बहुत लेट होता है, इसलिए वीकेंड्स में थोड़ा लेट उठती है। अभी एक हाफ एन आवर में मेरा योगा क्लास स्टार्ट होगा, इसलिए सारा तैयारी कर रहे हैं। और आज खुशी को भी जल्दी स्कूल जाना है, मंडे है ना 8:00 को स्कूल पहुँचना है। Today, Archie made me Cocoa Pops. Not on mom, because she's doing yoga. And I'm eating the Cocoa Pops, of course. We have to wait for Abma. Well, you can see. She's definitely doing yoga. Didn't even notice me, the special Sandy. कब से खुशी वेट कर रहे थे योगा में, कितनी बार आकर इधर बोल रहा है हो गया योगा हो गया इंडिया। उसको है ना ये क्रिसमस कैलेंडर से टॉयज निकालना है। तो एडवेंट कैलेंडर है, इसके अंदर मैं हर डेट्स डाले हुए हैं, मतलब 1st to 25th 24th तक का है। तो उसमें हर दिन आपको एक ओपन करना है और उसमें कुछ सरप्राइज होगा, और वो इस केस में लेगो है, तो as you can see, और हैरी पॉटर का थीम है, क्योंकि अभी हैरी पॉटर का बुक पढ़ रहा है ना, इसलिए उसको उसी का शौक है। अभी तक उसको इतना टॉयज मिला है, देखो इधर हैरी पॉटर भी है। आज डेट 7th है ना, एक बाइक जैसा लग रहा है, पता नहीं देखो कैसा डेकोरेट कर रखा है, कैंडल सब लगा कर बहुत सारा ऐसा कैलेंडर में है ना, चॉकलेट भी रहता है ना। हाँ वो अलग है, वो हाँ वैसे चॉकलेट कैलेंडर्स होते हैं वो। So I got lots of pieces, so I can build. इधर लिखा इधर instructions. हाँ इधर instruction भी है। हमारा तो बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था ना। केरल में तो क्रिसमस कैरोल आते थे, राजस्थान में आते थे सांता, हर जगह पे आते हैं सांता, आते हैं लोगों के साथ में गाना वाना गाते हैं। हाँ, वो उसी का हम लोग वेट करते थे, लेकिन उसमें क्या है सांता को हम लोग पैसा देना पड़ता था, इधर सांता गिफ्ट लेकर आता है। आज ये मिला है ग्रामोफोन, अड़ी आने वास्तव है। टाइम अभी 7:35 हो गया, बाहर दिखाती हूँ। देखो बाहर कितना फॉग है, कैमरे में ठीक से वो नहीं दिख रहा है, बाहर इतना ठंड है 1 डिग्री है। श्रुति एक हाय बोल दो। हाय। अभी श्रुति कौन है अंजू कौन है किसी को समझ में नहीं आएगा। इतना ठंड है, देखो फॉग देखो, अच्छा फोक भी है अच्छा ठंड भी है, फिर भी हमारा पैशन देखो वो करने का। सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकल गए, अभी एक घंटा वॉक कर हम लोग जाएंगे। और श्रुति बहुत सारे लोग पूछा है आपका म्यूजिक कॉम्पिटिशन का क्या हुआ है। हाँ तो मैं फाइनल राउंड पहुंच गई, फाइनल राउंड में कैसा था किसी एक को फर्स्ट प्लेस आना था, तो दूसरे लड़की को आ गया और मुझे नहीं आया, तो
ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इसमें और इसकी वजह से ना मेरा म्यूजिक क्लास में ले रही हूँ अभी। हाँ, बड़ी बड़ी बात है मेरे लिए। इससे पहले टू बी फ्रैंक मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैं म्यूजिक सीरियसली सीखने के बारे में कभी नहीं सोचा था, पर वो कॉम्पिटिशन के बाद मैंने सोचा अगर थोड़ा सा म्यूजिक का ज्ञान है तो ना वो कहीं पर भी हमें यूज़ होने वाले है। तो मैंने अभी मेरा म्यूजिक क्लास मैंने एनरोल किया अभी, वो उसमें से मैं बहुत खुश हूँ। और आपके आपको आप सबको भी एक बार मैं बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप सबकी वजह से मैं फाइनल राउंड पहुंच गई। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं अपना आज का फन फैक्ट बताऊं, आप लोगों को क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और वीडियो को लाइक करना है। एक शिकायत है अंजू की आप लोगों से, वो ये है कि आजकल लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हाँ, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछना है, आप लोगों को मेरा वीडियो तो पसंद तो आ रहा है ना, वो भी प्लीज बताना। ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और अब बताता हूँ मैं आपको आज का फन फैक्ट, जो कि है वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक, और ये है हाउ डू यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 11। सो 11 से किसी चीज को कैसे इजिली मल्टीप्लाई करना जाता है उसका एक ट्रिक है ये। सो लेट्स टेक सिंपल एग्जाम्पल। सो 17 टाइम्स 11, इसमें जो 17 है उसमें जो फर्स्ट डिजिट है ना वो आपका आंसर का फर्स्ट डिजिट बन जाता है, और 7 विल बिकम आंसर का लास्ट डिजिट। और इन दोनों को एडिशन, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर लो, 7 प्लस 1 8, वो बन जाएगा मिडल में उसका नंबर, एंड द आंसर इज 187। सो इट्स दैट सिंपल एज दैट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक और तुम बड़ा नंबर लेके ट्राई करते हैं, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 11। इसमें 1 जो है फर्स्ट आंसर का नंबर बन जाएगा, 4 आंसर का लास्ट डिजिट बन जाएगा। अब ये 1 और ये 2 को ऐड करते हैं, उसको लिख दो आप यहाँ पे 3। अब ये 2 और 3 को ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे 5, और ये 3 और 4 इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं जो बनता है 7। तो आपका आंसर बन गया है 13574। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। लेट्स टेक 348, लेट्स टेक 348 टाइम्स 11। इसमें हम 3 यहाँ लिख देते हैं नंबर 1, 8 लास्ट में आएगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, और 4 और 8 को ऐड करेंगे, 4 को और 8 को ऐड करेंगे तो अभी क्या मिल रहा है आपको 12। 12 डिजिट नंबर है, हम इसमें से 2 यहां लिखेंगे और 1 जो है 12 का वो इसमें ऐड कर देंगे, 7 के अंदर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो अभी हमारा जो नया आंसर मिलेगा दैट इज 3, 7 प्लस 1 इज 8, 2, 8, आंसर इज 3828 अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो ये है सिंपल टेक्निक आज जो मैंने बताया कैसे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा और अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। आज का वैदिक मैथमेटिक्स आपको पक्का यूजफुल हो गया होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, संतोष मेरा टीचर बन गया तो कितना अच्छा था। अच्छा, सीरियसली मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। ठीक है, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो प्लीज लाइक करना भूलना नहीं, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।